महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो, अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो MBA करना चाहता था लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। अरे यार, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू तू कॉलेज क्या 3rd grade से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा, मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए, इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। पिज्जा चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा।
टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। एक गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं। मैं छोटी सी गरीब चिड़िया, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं, और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है। फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये। अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी, और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को दो अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से दो बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है।
मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी, जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। दो दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। दो दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके घर में कितनी ठंडक है, अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है, इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं।